डिफरेंस इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही सेम बात हो गई, उतना ही अमीर है हर टेम्परेचर पे लगा हुआ। अब इसमें जो मैंने ट्रिक सिखाई है तुमको पहले, सबके नंबर्स अलग अलग हैं, सबके नंबर्स अलग अलग हैं, नहीं इसमें 6.8 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर कॉमन आ गया, तो अब थोड़ा सा इसका भी ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट्स का भी, मतलब क्योंकि तो इसमें दो टर्म सेम मैच हो रहे हैं, 68 और 6.8, तो करो। वैसे तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 ये तो कट ही जाएंगे। अल्फा वन एल वन इक्वल टू अल्फा टू एल टू लगेगा इसमें भी, दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ सीधे। अब अल्फा कॉपर लेंथ कॉपर, अल्फा एल्यूमिनियम लेंथ एल्यूमिनियम, चलो सॉल्व करो। कॉपर का अल्फा कितना है? कॉपर का अल्फा है 1.7 × 10 की पावर -5, लेंथ कितनी है? 88। एल्यूमिनियम का कितना है? 2.2 × 10 की पावर -5 इंटू लेंथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की लेंथ निकालनी है। ये से ये तो कट गया, तो इसको नीचे ले आओ, यहाँ पर 2.2, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये 4 से कटेगा, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 4 से कटेगा, 17 4 जा 68, ठीक है। अब इसमें तुम दो ऑप्शन भी रिजेक्ट कर सकते हो यार। अब इसमें थोड़ा सा भाई देखो, इसका अल्फा ज्यादा है तो इसकी लेंथ कम होएगी, इसका अल्फा ज्यादा है इसकी लेंथ कम होएगी, देखो तो दो ऑप्शन तो रिजेक्ट ही कर दो, 88 से कम होनी चाहिए लेंथ, यार अल्फा ज्यादा है ना तो लेंथ कम होएगी। ओबे 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 ओबे, तो दो ऑप्शन तो यहां पर रिजेक्ट ही हो गए, और अल्फा उतना भी कम नहीं है तो 88 से 6 पे तो नहीं पहुंचेगी, 88 से थोड़ी सी कम होगी। बट एनीवे कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, ठीक है।